एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर देश में पांचवी बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। हालांकि पांचवी लॉकडाउन में सरकार की तरफ से कई छूट भी दी गई है, पर इस समय इस लॉकडाउन में जरूरतमंद और गरीब परिवार काफी प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों की मदद के लिए लगातार कई संगठन भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को विक्रम प्रखंड के गुलामी चक्र गांव में समाज सेवी सुमित कुमार उर्फ बल्ली यादव की तरफ से सैकड़ों गरीब परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस राशन सामग्री में सूखा राशन दिया गया है। इसके अलावा विक्रम के कई पंचायत में मास्क और साबुन का भी वितरण किया गया। वहीं समाज सेवी सुमित कुमार उर्फ बल्ली यादव ने बताया कि जब से देश में लॉकडाउन लगा है कोरोना को लेकर, तब से लगातार ऐसे परिवारों को दिया जा रहा है जो विकलांग, विधवा, बुजुर्ग लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक देश में ऐसी हालत बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से ऐसे भी लोगों को राशन नहीं मिला है जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, और सभी लोगों की मदद हमारी तरफ से दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। सब तेजस्वी यादव भी नौ दूर पहुंचे थे। तेजस्वी जी का लगातार इस तरह के जहां भी हत्या बलात्कार हो रहा है, तेजस्वी जी विरोध कर रहा है, हमारा पार्टी भी विरोध कर रही है, और हम लोग आगे भी आंदोलन करते हैं। क्या सुनना है? इंजीनियर बल्ली यादव, इनके 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 पार्टी के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये कहा जाता था कि 15 साल के शासन में जिस तरह से हम लोगों पर आरोप लगाया जाता था, उससे कई गुना ज़्यादा हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लूट, अपहरण, ये सारे सरकार में है, लेकिन इनके पुलिस प्रमुख और इनके पार्टी के द्वारा लगातार इस चीज़ को दबा दिया जाता है। और वही इन लोगों का एक ही है कि 15 साल की जुर्माइन का चल रहा है।